अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी डियर फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश बेसिक से, यानी स्टार्ट कहां से होती है, उन सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ सिंबल्स से शुरू करने लगे हैं। इस तरह कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए उसकी एक बेस होती है, बुनियाद होती है, इकाई होती है। हमने मकान भी बनाना हो तो सबसे पहले हम उसकी बेस बनाते हैं। तो इस तरीके से जब हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो बेस से शुरू करेंगे ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आइए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए कि अल्फाबेट, अल्फाबेट हम उर्दू में हरफ तहजी को कहते हैं, ठीक है। हरूफ तहजी जो उर्दू में अलिफ बे पे, ये है। इंग्लिश में भी इसी तरह से सेट ऑफ सिंबल्स है या सेट ऑफ लेटर्स है, ठीक है, उनको हम अल्फाबेट बोलते हैं, जो आप पढ़ते भी हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए से लेके जी तक, ये सारे 26 हैं। ये जो है ना सेट ऑफ लेटर्स, ये 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में। इंग्लिश अल्फाबेट्स की तादाद है जी 26, ओके हो गया। अच्छा, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इन अल्फाबेट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक वॉल्स और दूसरा कंसोनेंट्स। अब वॉल्स क्या है, पांच इसमें ना वो लेटर्स हैं, जो वॉल्स हैं ए ई आई ओ यू, ये पांच ए ई आई ओ यू, इनको हम वॉल्स बोलते हैं। और दूसरी कैटेगरी है कॉन्सोनेंट। इन पांच वॉल्स के अलावा बाकी 21 जो लेटर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, वो कॉन्सोनेंट्स हैं, जिसमें बी आता है, सी आता है, डी आता है, यानी ईटीसी, ओके, बाकी सारे ओके हो गया। ये होते हैं जी अल्फाबेट, यानी जहां से हम स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके हो गया। अच्छा जी, ये एक मैंने लाइन लिखी है जी, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अच्छा, इसके अंदर सारे 26 अल्फाबेट्स आ रहे हैं। ये एक ऐसी लाइन है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसके अंदर कंप्लीट 26 आपको अल्फाबेट्स मिलेंगे, ए से जी तक। ये आपकी असाइनमेंट है, ढूंढिएगा, ओके जी। जब अल्फाबेट्स मिलते हैं, यानी दो से तीन से चार अल्फाबेट मिलते हैं, तो उसका नतीजे में बनता है जी वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम इन्हीं में से कोई अल्फाबेट्स मिलाते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये देखिए जी, ए एक अल्फाबेट है, ओके जी, बी एक अल्फाबेट है, आई एक अल्फाबेट है जिसको हम वॉल्स में कंसीडर करते हैं, और डी भी एक अल्फाबेट है। देखिए जी, एक नाम बन गया आबिद। तो ये हमने एक दो तीन चार, चार अल्फाबेट्स मिलाए, चार लेटर्स मिलाए, तो एक पूरा वर्ड बन गया, ओके हो गया जी। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ भी वो मीनिंगफुल, जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो। इसी तरह देखिए, सी ए टी कैट, तीन अल्फाबेट्स मिलाए और आपके पास एक वर्ड बन गया। इस तरीके से आप जब अल्फाबेट्स को मिलाते हैं तो आपके पास वर्ड आते हैं, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ओके जी। अच्छा, ये यूनिट है, जो वर्ड है ना, ये आपकी स्पोकन इंग्लिश का, लैंग्वेज का यूनिट है। यानी बोलने के लिए हमें एटलीस्ट वर्ड जरूरी होता है, कि हम एक वर्ड तो कम से कम बोले ना, जिस भी वर्ड, वर्ड को लिख लेते हैं जी। वर्ड में क्या स्पेलिंग होते हैं, डब्ल्यू ओ आर डी। अब देखिए, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। आई होप कि आपको यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अल्फाबेट्स मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं। अब वर्ड्स मिलके फ्रेज भी बना सकते हैं, वर्ड्स मिलके क्लास भी बना सकते हैं, वर्ड्स मिलके सेंटेंस भी बनाते हैं, लेकिन इन तीनों में थोड़ा सा बुनियादी फर्क है। अच्छा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है अक्सर कॉल स्टूडेंट्स को, क्लास और फ्रेज, इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है इन दो के अंदर, कि फ्रेज और क्लास में क्या डिफरेंस है। तो तवज्जो से सुनिएगा, बड़े काम की बात बताने लगूंगा आपको। देखिए जी, फ्रेज और क्लास में इतना सा फर्क है कि फ्रेज जो है, ये सेंस तो देती है, थोड़ा बहुत इसका मीनिंग होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गए जी। लेकिन फ्रेज का कोई वाज़े मीनिंग नहीं होता, कोई मतलब कंप्लीट थॉट, कोई कंप्लीट सेंस उसके अंदर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फ्रेज लिखता हूं जी, मैड विद एंगर, मैड विद एंगर, इसमें कोई कंप्लीट थॉट नहीं है, कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, ठीक हो गया। और ना ही इसके अंदर सब्जेक्ट है, ना ही फाइनाइट वर्ब है, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। और लिख लेते हैं, द ग्रीन कार, तो ये भी एक फ्रेज है, यानी फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन फ्रेज की कोई खास मीनिंग नहीं होता, उसका कोई सेंस नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं होती। लेकिन क्लास इसके उल्टा है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन कंप्लीट सेंस है,
उसके अंदर एक कंप्लीट थॉट होती है, ठीक हो गया, या तो वो सेंटेंस हो सकता है या सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है, ठीक हो गया। और फिर आगे क्लासेस की टाइप्स हैं इंशाल्लाह ताला, क्लास फ्रेज इनकी टाइप्स हम अलग अलग लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत फायदा होने वाला है आपको इंशाल्लाह। इसी तरह सेंटेंस है, सेंटेंस की भी कंप्लीट दो तरह की इसकी टाइप्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू मीनिंग और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आते हैं और दूसरी तरफ ऑप्टेटिव आते हैं, असर्टिव आते हैं, एक्सक्लेमेटरी आते हैं, इंट्रोगेटिव आते हैं, वो सारे इंशाल्लाह ताला हम एक कंप्लीट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो हम क्लास पे थे, क्लास जो है ये कंप्लीट सेंस रखती है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, फाइनाइट वर्ब भी होता है, और ये सेंटेंस हो सकती है या किसी सेंटेंस का पार्ट हो सकती है। ओके, हो गया। चलिए इसकी कोई एग्जांपल लिखते हैं जी। एक सेंटेंस है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप सब पढ़ते हैं इसकी तरह को, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अभी एक सेंटेंस भी है और इसके अंदर क्लॉजेज हैं, यानी ये क्लॉजेज, दो क्लॉजेज मिली हैं और उन्होंने सेंटेंस बनाया। एक क्लॉज क्या है, गॉड हेल्प्स दोज, खुदा उनकी मदद करता है। अगली दूसरी क्लॉज क्या है, हु हेल्प देमसेल्व, जो अपनी मदद आप करते हैं। अब दो क्लॉजेस ने मिलके एक पूरा फिक्रा बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया। ओके, यहां तक क्लियर है? यानी क्लॉज फिक्रा भी हो सकती है और फिक्रे का हिस्सा भी हो सकती है। इसके बाद है सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस में कंप्लीट थॉट होती है, पूरी एक सोच होती है, ठीक है। अच्छा, क्लास और सेंटेंस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सेंटेंस जो होता है वो क्लास नहीं होता, लेकिन जो क्लास है वो सेंटेंस हो सकता है। ओके, इसके अंदर सब्जेक्ट दो हिस्से होते हैं, किसी भी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, उर्दू में जिसे हम फाइल कहते हैं, यानी एक सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस है, उसके अंदर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल यही सेंटेंस था, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो गॉड इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी जो काम करने वाला है। हम कहते हैं जी आबिद प्लेज क्रिकेट, तो आबिद इसमें क्या है जी, आबिद इसमें खेलने वाला है, ठीक हो गया। इसमें आप वो फाइल है, सब्जेक्ट है, और बाकी उसके बारे में जो भी बात है, प्लेज क्रिकेट, वो सारा प्रेडिकेट है, यानी वो सारी बात जो सब्जेक्ट के बारे में होगी वो प्रेडिकेट होगी, और सब्जेक्ट वो होगा जो काम कर रहा है, जो बात कर रहा है। आई होप सो कि आप लोगों को ये आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज सेंटेंस। इंशाल्लाह, आई होप सो। और आप लाजमी हमें कमेंट्स के जरिए से फीडबैक दीजिए, SMS के जरिए से फीडबैक दीजिए, और हमारे चैनल